शेवारे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सी के बहस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का धन्यवाद मानता हूँ और उनकी उनकी वजह से आज मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस सदन में भी बैठने का मौका मिला है और कल नए सदन में भी बैठने का मौका मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद मानता हूँ कि कल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि हम गृह प्रवेश करते तो गणेश जी की पूजा करते हैं, तो कल का एक पवित्र दिन है और कल के पवित्र दिन में हम नए संसद में वहां पे प्रवेश करेंगे, तो एक हमारे सभी सदस्यों के लिए एक भावुक क्षण है हमारे लिए। और अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 24 नवंबर 1950 को सभा के सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अध्यक्ष जी, 1579 में इस देश में आने वाला पहला अंग्रेज एक ईसाई धर्म प्रचारक था। उसके बाद ऐसे व्यापारी आए जो व्यापार करने आए लेकिन शासन करने के लिए रुक गए। 1765 में अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में इसे धीरे धीरे संसद के अधीन कर दिया गया और इसकी जगह संसद का अधिकार आ गया और अब तक यह जारी है। अध्यक्ष जी, इन दिनों देश भर में भारत और इंडिया नाम पर खासी बहस चल रही है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया, जो कि भारत के राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान सभा में भी इस विषय को लेकर काफी बहस हुई। संविधान सभा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारत नाम रखने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि भारत नाम रखने से गरिमा लौट आएगी, हजारों साल की गुलामी में हमारी पहचान ही मिट गई थी। इस विषय में इतिहास को किनारे नहीं किया जा सकता। संविधान सभा में भारत और इंडिया को लेकर हुई बहस को भी याद रखना चाहिए। दरअसल संविधान सभा में लंबी बहस के बाद इंडिया दैट इज भारत लिखा गया था और इस बहस में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भारत को देश की पहचान से जोड़ा था और उनका कहना था कि इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर भारत दैट इज इंडिया लिखना उचित रहेगा। महोदय, इस डिबेट में कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा था, यदि आप लोगों को लगता है कि संविधान में दैट इज लिखना जरूरी है तो भारत दैट इज इंडिया लिखना चाहिए। उन्होंने देश का नाम भारत रखने को गौरव, स्वाभिमान और स्वदेशी प्रतीक से जोड़ा था। त्रिपाठी जी ने कहा था, जब कोई देश दूसरे के दिए नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो उसकी आत्मा मर जाती है। भारत ने 1000 साल की गुलामी में सब कुछ खो दिया है। हमने अपनी संस्कृति, इतिहास, सम्मान, मानवता, आत्मसम्मान और यहाँ तक की आत्मा तक खो दिया है। भारत नाम रखने से पुराना गौरव वापस लौटेगा का तर्क देते हुए त्रिपाठी जी ने यह भी कहा था कि 1000 साल की गुलामी से निकलकर हम अपनी पहचान हासिल करेंगे। भारत नाम हमें हमारी संस्कृति से परिचय करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वैदिक काल से ही साहित्य में देश का नाम भारत ही रहा है। इसके अलावा वेदों, पुराणों और ग्रंथों में भी भारत का वर्णन मिलता है। अध्यक्ष महोदय, 18 सितंबर 1949 को हुई इस बहस में स्वतंत्रता सेनानी हर गोविंद पंत ने भी भाग लिया और इंडिया शब्द का विरोध किया और कहा कि यह नाम हमें उन विदेशियों द्वारा दिया गया था जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर हमारे देश की संपत्ति को लूटने यहाँ आए और हमसे हमारी आजादी छीन ली। संविधान सभा में इंडिया शब्द का पुरजोर विरोध करने वालों में कई संविधान सभा के सदस्य थे। जब संविधान सभा में इस विषय पर बहस हो रही थी तो हर गोविंद पंत आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी। महोदय, फिर आज क्या हो गया कांग्रेस को कि आज कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी जैसे अपने नेताओं की वाणी को भूल गए। श्री एचवी कामत ने सभा में सबसे पहले भारत राम रखने का प्रस्ताव रखा था। यह सर्ववादित की संविधान के पहले ड्राफ्ट में भारत लिखने की मांग श्री कामत, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री हरगोविंद पंत और श्री कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं ने की थी। आज के कांग्रेस के नेताओं को ग्रंथ पढ़ने से पहरेज है।
तो फिर जानकारी कहां से आएगी? बिना इतिहास जाने ये लोग अपने ये दिग्गज नेताओं को झूठला रहे और उनको गलत साबित करने पर तुले हुए, और यह सब एक व्यक्ति का विरोध करने के चक्कर में अपने ही दिवंगत नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की ऐसी पद्धति, संविधान सभा ने एक ऐसी पद्धति अपनाई जो सुव्यवस्थित, सुलभ और स्वीकार्य थी। मौलिक मान्यताओं को सभी ने माना और उन पर सहमति व्यक्त की। हाल की आधी सदी में किसी भी प्रमुख सामाजिक संगठन या राजनीतिक दलों ने कभी भी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। संविधान केवल अपने सदस्यों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह उस समय की व्यापक सहमति को दर्शाता है। संविधान सभा का चुनाव भारतीय जनता द्वारा किया गया था। उस समय कोई वैश्विक वयस्क मताधिकार नहीं था। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती है। संस्थापकों ने नवजात गणतंत्र के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था। अध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता का 76 वर्ष है और इस पूरे काल में देश में 15 प्रधानमंत्रियों की सरकार बनी। आज कुछ लोग कई बार पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया ये सवाल करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही बेखूबी से भूल जाते हैं कि पिछले 76 वर्षों में कुल मिलाकर 54 वर्ष सिर्फ कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, और इसमें भी कुल मिलाकर 38 साल एक ही परिवार राज कर रहा था। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया, स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का सीधा हस्तांतरण, गरीबों और उन लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जो बैंकिंग के दायरे में नहीं आते थे, किसानों के लाभ के लिए प्रणाली, नीतियों और कार्यक्रम हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की। फिर भी ऐसे ही कई अन्य क्षेत्र हैं जिन पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बड़ी दृढ़ता से संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को सही रूप में लागू करने और देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को अनुरूप जीने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष जी, साल 2023 में हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे और हमारा संकल्प नए भारत का निर्माण करना है। नया भारत एक आधुनिक समाज होगा जिसमें करुणा का लोकाचार समाहित होगा, एक ऐसा समाज जहां सभी हितधारकों को सर्वांगीण विकास और भागीदारी का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, पुरुष हो या महिला, गरीब हो या वंचित, जहां सुलभ, सस्ती और उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, जहां प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमता का एहसास करने और ऐसा करने में सक्षम है, जिसमें हम में हर कोई संतुष्ट और खुश हो। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इसके लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। इसी से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा शुरू की है। बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, बंदरगाहों के विकास, हवाई अड्डों के विकास, शहरों के विकास, चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विकास, खेल में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, अंतरिक्ष में विकास के क्षेत्र में उपलब्धि है, प्रौद्योगिक परमाणु ऊर्जा में विकास, देश की रक्षा में विकास और भारत में विशाल आबादी के लिए खाद्य उत्पादन। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण है एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था का दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। अर्थव्यवस्था की वृद्धि भारत को जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आजादी के बाद से भारत में लोकतंत्र की सफलता। अध्यक्ष जी, देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि कोई धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाए। कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उसका गलत फायदा लेके धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने का भी काम कर रहे। अध्यक्ष जी, अंत में यही कहूंगा कि भारत की संविधान सभी प्रावधानों का पूर्ण मिश्रण है और इस प्रकार प्रावधान और अनुच्छेद ही इसे राज्य का सर्वोच्च कानून बनाते हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लागू करने और व्याख्या करने में हमेशा संविधान सभा की आत्मा पर विचार किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया है ताकि किसी देश में शासन कैसे होगा इस बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रहे, और इसलिए यह भारतीय संविधान की विशेषता है जो इसे अपने आप में एक संपूर्ण संविधान बनाती है और देश का एक व्यापक दस्तावेज है।
अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देता हूँ, और जब भी हम नए सदन में जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम जाएंगे, नए भारत निर्माण के लिए सभी का सहयोग रहेगा। और जब भी मैं पहली बार इस सदन में आया था तभी मेरे साथ हमारे उस वक्त के एक्स मिनिस्टर अनंत जीतेश जी थे, तभी उन्होंने मुझे कहा था कि पूरे देश की आबादी हमारी 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन केवल 545 लोगों को इस सदन में आने का मौका मिलता है। तो 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी यहाँ पे आते हैं, तो जिम्मेदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री रागेश सिंह जी।